శ్రీమద్ పరమహంస త్రిపురాజగాచార్య వర్య పదవాక్య ప్రమాణ పారావార పారిణ ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణా ధ్యాన సమాధి అష్టాంగ యోగానుష్ఠాన నిష్ఠ తపశ్చర్యా చరణ చక్రవర్తిన అనాద్య విచ్ఛిన్న గురు పరంపరా ప్రాప్త వైదిక ధర్మ ప్రచార పరాయణ నిఖిల నిగమాగమసార హృదయ సర్వతంత్ర సుతంత్ర పరాపర విద్యా విద్యోదితాంతఃకరణ సర్వదస్థాపనాచార్య వర్ణాశ్రమ సదాచార శిక్షక శ్రీమత్సుధర్మ సామ్రాజ్య ప్రతిష్టాపనాచార్య శ్రీమన్మహారాజాధిరాజ గురుమండలాచార్య శాశ్వత సార్వభౌమ విశ్వజనీన సనాతన ధర్మ సంరక్షణ బద్ధ పరికరా సమస్త సంప్రదాయ సమన్వయ సాధన దత్త చిత్త వివిధ బిరుదా భరి విరాజమాన మానోన్నత మహోదధిదేరవాసిన శ్రీమజ్జగన్నాథర్మలాంబోపాసక పూర్వాంనాయ శ్రీ గోవర్ధన మఠ భోగవర్ధన పీఠాధీశ్వర శ్రీమదరాజరాజేశ్వర శ్రీ శంకరాచార్య శ్రీ నిరంజన దేవ తీర్థ స్వామి వలి చరణ కమల భృంగాయమాన అనంత శ్రీ విభూషిత నిశ్చలానంద సరస్వతి స్వామి వర్య విజయంతే ధర్మకి అధర్మ కా ప్రాణియో మే సద్భావనా హో విశ్వ కా కళ్యాణ హో గౌ మాతా కీ జయ హో గౌ హత్య అంధ హో జగద్గురు శంకరాచార్య భగవాన్ కీ జయ హో ధర్మ సమ్రాట్ శ్రీ స్వామి కరపాత్రి జీ మహారాజ్ శ్రీ జగన్నాథ మహాప్రభు కీ శ్రీ సుభద్రా భగవతీ కీ శ్రీ బలభద్ర మహాప్రభు కీ భారత అఖండ హో అఖండ హో భారత అఖండ హో భారత అఖండ హో హర హర యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిం బాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకం నామపితే చ మధురం మధురం స్వరూపం కర్మాపితే చ మధురం మధురా స్మృతిశ్చ బుద్ధిం ప్రబోధయ ప్రభో మధుబోధశక్తిం విద్యాం ప్రయచ్చ పరమం పరిభావయామి కోమలం కూజయన్ వేణుం శ్యామలోయం కుమారకః వేదవేద్యం పరం బ్రహ్మం భాసతం హృదయే మమ కూజంతం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితాశాఖం వందే వాల్మీకి కోకిలం నిగమకల్పతరోర్గలితం ఫలం సుఖముఖదమృతద్రవ సంయుతం పిబత భాగవతం రసమాలయం మూఢహో రసికా భువి భావుకాః శృణాదపి సునీచేన తరోరపి సహిష్ణునా అమానినా మానదేన కీర్తనీయ సదా హరి శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ
Shrirama Jaya Rama Jaya Jaya Rama Dharma ki adharma ka praniyo mein vishwa ka go mata ki go hatya भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री कृष्ण गो हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय नमो माधव शंभो शिव 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 नारायण 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 समुपस्थित समादरणीय संत वृंद विद्वत वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति आप महान भावों ने अद्भुत अपनत्व आस्था उत्साह और आह्लाद पूर्वक इस भव्य कार्यक्रम का समायोजन किया है। इस कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में जिन महानुभावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघक प्रभाव से
उनका सर्विद उत्कर्ष हो ऐसी भावना है। मंच पर विराजमान संतों ने अद्भुत ही अपनत्व का परिचय दिया। उनके अपनत्व को देखते हुए मुझे आह्लाद है। मनोरम भावों को भी उन्होंने व्यक्त किया है। सज्जनों, यह मध्य प्रदेश है, भारत का हृदय है। नर्मदा, क्षिप्रा, ताप्ती आदि दिव्य नदियों ने इस क्षेत्र को वरण किया है। निसर्ग सिद्ध दिव्यता यहाँ की भूमि में सन्निहित है। विश्व का हृदय भारत है, भारत का हृदय यह भूभाग है। ऐसी स्थिति में यहाँ जो भी मनुष्य पशु पक्षी रहते हैं वे सब के सब पुण्य की पूंजी के बल पर रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म का दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर जो स्वरूप है उसे समय समय पर विद्वान मनीषी संत महात्मा आकर यहाँ व्यक्त करते रहें। संतों मनीषियों से उपेक्षित या भूभाग न रहे। 25 वर्ष मुझे इस पद पर प्रतिष्ठित हुए हो गए। अपनी ओर से हमने बहुत प्रयास किया कि मध्य प्रदेश को साल में कम 20 दिन का समय दिया जा सके, लेकिन सुदूर श्री जगन्नाथपुरी में हम रहते हैं, उचित माध्यम हमें नहीं मिल सका जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंच सकते। माननीय श्री झा जी जो कोलकाता हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी रहे हैं, उन्होंने इस दायित्व को सहर्ष स्वीकार किया और उन्हीं के माध्यम से यहाँ आना हुआ। श्रीमद् भागवत का एक कार्यक्रम जहाँ तक मुझे ध्यान है पुरी में था, उस संदर्भ में कुछ यहाँ के व्यक्ति गए थे, उन्होंने भी मठ से संपर्क स्थापित किया था। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है सनकैश टुक्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शने न च, जो भी विश्व का या भारत का भूभाग वेदज्ञ सदाचार संयम संपन्न ब्राह्मणों से दूर हो जाता है या उपेक्षित हो जाता है, वहाँ सनातन संस्कृति के अनुरूप विचार और आचार का विलोप होने लगता है और वे किसी विपरीत धारा में बहने के लिए बाध्य होते हैं। भौगोलिक धरातल पर भारत में देखा जाता है जिस प्रांत की जो राजधानी होती है उससे दूर का क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र प्रायः शासन तंत्र के द्वारा भी उपेक्षित होता है, लेकिन नोएडा आदि उत्तर प्रदेश के वो भूभाग हैं जो भारत की राजधानी दिल्ली के सन्निकट हैं। भले ही लखनऊ से दूर हों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वहाँ पर तो प्रसिद्धि है, प्रायः नोएडा आदि के व्यक्ति स्वयं को दिल्ली निवासी ही कहने लग गए, परंतु यह क्षेत्र राजधानी से कुछ दूर है। महाराष्ट्र की सीमा यहाँ से लगती है। इन सब कारणों से कई भाषाओं का संक्रमण सन्निवेश भी क्षेत्र में है। नहर इत्यादि की समुचित व्यवस्था भी नहीं है। इन सब कारणों से आर्थिक दृष्टि से भी दुर्बल सरीखा यह क्षेत्र परिलक्षित होता है।
लेकिन विचार करने की आवश्यकता यह है कि धरती का नाम रत्नगर्भा है, वसुंधरा है। धरती का नाम है, पृथ्वी का नाम है वसुंधरा। रत्नगर्भा, रत्न भी धन का नाम है, वसु भी धन का नाम है। भगवान की सृष्टि में कोई भी ऐसी भूमि नहीं जो अर्थ ना हो या अपने हृदय में अर्थ को संजोए ना हो। केवल प्रयोगकर्ता दक्ष होना चाहिए, साथ ही साथ क्षेत्र के प्रति अपनत्व से संपन्न होना चाहिए। हम एक उदाहरण देते हैं, गोवंश है। धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से तो उसका महत्व है ही, बल्कि अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो तीन पुरुषार्थ अतिरिक्त हैं, उनकी सिद्धि में भी गोवंश का महत्व है। केवल गोवंश को लें तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि उसके पालन से संभव है। पानी आदि की यहाँ व्यवस्था कितनी है यह सब आकलन करके यदि देशी गोवंश को विकसित किया जाए, उसे विकृत न किया जाए, सुरक्षित रखा जाए, तो आर्थिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र बहुत ही उर्वर सिद्ध हो सकता है, महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। गोवंश जहाँ रहता है वहाँ की भूमि तो उर्वर हो ही जाती है, वातावरण भी बहुत दिव्य हो जाता है। जहाँ वन होता है, पर्वत होता है, जलाशय होता है, वहाँ तो लक्ष्मी नृत्य करती है। तो इस क्षेत्र का विशेषज्ञों के द्वारा आकलन होना चाहिए कि जलाशय की स्थिति इस क्षेत्र में कैसी है, पर्वत कितने हैं, वन कितने हैं, साथ ही साथ गोवंश के पालन का प्रकल्प भी चलाना चाहिए। और जो खेती करने वाले किसान हैं, यहाँ के जो MLA विधायक हों, सांसद हों, वे विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद या मंत्री बनने के बाद जनता से सुदूर ना हो जाएं, जनता के साथ अपनत्व बनाकर रखें, वो कम से कम 3 महीने में यहाँ के पार्टी पन से ऊपर व्यक्तित्व के धनी महान भावों के बीच में वे आवें, यहाँ की स्थिति का आकलन करें और यथासंभव अपनी सीमा में इस क्षेत्र के उत्कर्ष का प्रयास करें, तो सुगमतापूर्वक यहाँ आर्थिक विपन्नता भी, अनावश्यक विषमता भी दूर की जा सकती है। साथ ही साथ एक प्रकल्प मैं देता हूँ, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, विशेषज्ञों से परामर्श लें, सूझबूझ का परिचय दें, परस्पर के सहयोग को क्रियान्वित करें और श्रमदान को क्रियान्वित करें, तो वहाँ की समस्या 80% दूर की जा सकती है। विशेषज्ञों का परामर्श, परस्पर के सहयोग से प्राप्त सामग्री और श्रमदान के द्वारा किसी भी क्षेत्र की 80% समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। एक प्रकल्प हमने रायगढ़ा जिला उड़ीसा में है चलाया, एक हमारे शिष्य ब्राह्मण हैं तिरुपति महंती, घोर वनवासियों के क्षेत्र में 90 गांव में वे अब तक सफल हो चुके हैं। प्रकल्प हमने बहुत छोटा सा चलाया है, एक परिवार से, अगर आप समझें तो एक हिंदू परिवार से या जो भी रहते हैं मुसलमान आदि, वो भी सहभागिता का परिचय देते दे सकते हैं, अगर हमारे धर्म के प्रति अनास्था नहीं है तो। विशेषकर एक हिंदू परिवार से औसतन 1 रुपया रोज निकले और 1 घंटा रोज निकले,
तो वहाँ की कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान न किया जा सके। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ पृथक किया गया वाजपेयी जी के शासनकाल में, अजीत जोगी प्रथम मुख्यमंत्री बने छत्तीसगढ़ के। नक्सलवादियों का जो प्रसिद्ध क्षेत्र है जगदलपुर, वहाँ हमारे व्यक्तियों ने कार्यक्रम बनाया। वर्षा के कारण प्रवचन स्थल भींग गया, कार्यक्रम प्रवचन का स्थगित करना पड़ा। कुछ महानुभाव मेरे पास आए कि अजीत जोगी चर्च से क्षेत्र को पाट रहे हैं, हिंदू क्रिश्चियन होते जा रहे हैं। मैंने पूछा कि मेरे सामने सत्य बोलो, कितने हिंदू परिवार हो? जगदलपुर क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने बताया कि 25,000 हिंदू परिवार हम हैं। हमने कहा नित्य 25,000 रुपये, 25,000 घंटे निकालो, तुम्हारे सामने कौन टिकेगा? गरीबी भी नहीं टिक सकती, समझ गए ना? एक विचित्र बात है, श्वेता स्वतर उपनिषद की है। ऋषि आपस में बैठ गए, अध्यात्मनिष्ठ थे, धर्मनिष्ठ थे, संयम परायण थे। आध्यात्मिक कोई प्रश्न उनके मस्तिष्क में प्रतिष्ठित था, समाधान उन्हें प्राप्त नहीं था। जगत कारण पर वो लोग अटके हुए थे, लेकिन वेदादि शास्त्रों का उन्होंने गुरुमुख से अध्ययन किया था। जिस ऋषि के हृदय में जितनी जानकारी थी वो व्यक्त करने लगे, और अंत में सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से जगत के वास्तव कारण तक वो पहुंच गए। श्वेता स्वतर उपनिषद की बात है। इससे हमको यह प्रेरणा मिलती है कि जिस समस्या का समाधान हम नहीं जानते, उस समस्या का समाधान भी सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। आप तो सनातन धर्म में आस्थान्वित हैं, हमारा आपका यह प्रथम जन्म नहीं है। अगर भगवान की कृपा से, नर्मदा देवी की कृपा से, ओंकारेश्वर प्रभु की कृपा से किसी व्यक्ति को 5 मिनटों के लिए भी दिव्य चक्षु की प्राप्ति हो जाए और वह यह संकल्प करे कि अनादिकाल से अब तक मेरे कितने जन्म हो चुके, तो एक एक व्यक्ति ने अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को शव बना दिया है, वर्तमान शरीर उन शरीरों से एक अधिक है। गणित के आधार पर तो यही कह सकते हैं, अनादिकाल से एक एक जीव ने, हम आपने जितने शरीरों को शव बना दिया है, उन शरीरों से एक एक ब्रह्मांड पट सकता है। ईश्वर के कार्यालय में भी लेखा जोखा नहीं कि अनादिकाल से अब तक एक एक जीव ने कितने शरीरों को त्यागा, शव बना दिया। किसी जन्म में हम आप देवराज इंद्र भी रहे होंगे, किसी जन्म में हम आप कुबेर वरुण भी रहे होंगे। इस जन्म में जो हैं वो तो आप और हम जानते हैं, इसलिए हमारी मेधा शक्ति में करोड़ों जन्मों के संस्कार सन्निहित हैं। तो जब व्यक्ति सद्भाव पूर्वक संवाद का आलम्बन लेता है तो दुरूह से दुरूह समस्या के समाधान का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। हम तो ग्रंथ लिखने बैठते हैं, मान लो 10% सामग्री को लेकर ग्रंथ लिखने बैठे, शेष 90% सामग्री भगवत कृपा से आ जाती है। जो सामग्री हमको आश्चर्यचकित कर देती है कि हमारे मस्तिष्क में था, वह सब साधन, वो सामग्री क्या हमारे मस्तिष्क में थी? तो भगवान का स्मरण करके कार्य प्रारंभ करें। हमने एक अर्थशास्त्र की दृष्टि से
आपको लघु योजना प्रदान की, क्षेत्रीय समस्याओं का आकलन कीजिए, सूची बनाइए उस क्षेत्रीय समस्याओं की, जो विशेषज्ञ यहाँ वहाँ हों उनसे संपर्क करके समाधान की सूची बनाइए, परस्पर सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से समाधान सुलभ हो जाने पर जिसके पास जो सामग्री है क्षेत्र के विकास के लिए उस सामग्री का मिलकर के उपयोग करें और श्रमदान का आलम्बन लें तो 80% समस्या का समाधान किसी भी क्षेत्र का वहाँ के व्यक्ति स्वयं कर सकते हैं। 80% समाधान करने के लिए जब वे उद्यत हो जाते हैं तो प्रांतीय और केंद्रीय शासन तंत्र 20% समाधान का मार्ग निकालने के लिए उत्सुक होता है, बाध्य होता है। तो गोवंश के माध्यम से, श्रमदान के माध्यम से, परस्पर के सहयोग से प्राप्त समय और धन के माध्यम से किसी भी क्षेत्र को हम स्वावलंबी बना सकते हैं। कृषि प्रधान क्षेत्र है, एक विचित्र बात है, वैश्यों के कर्म का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, अर्थ का निवास चार पर निर्भर करता है, एक कृषि पर, एक पशुपालन गौरक्ष पर, एक वाणिज्य पर, एक कुटीर उद्योग लघु उद्योग पर, एक और ले लें तो सेवा पर। वैश्य और शूद्र के जो कर्म हैं वे तो अर्थ के स्रोत हैं सज्जनों, कृषि गौरक्ष और वाणिज्य के प्रकल्प को, सेवा के प्रकल्प को, उद्योग के प्रकल्प को आप मिलजुल कर क्रियान्वित कीजिए। होता क्या है, जब 100% कोई भी व्यक्ति या क्षेत्र शासन तंत्र के ऊपर निर्भर हो जाता है तो पंगु हो जाता है। राजनीतिक दलों का तो स्वभाव है बढ़ चढ़ कर बात करना और अंत में अंगूठा दिखा देना, इसलिए राजनीतिक दलों पर या राजनेताओं पर ही निर्भर न करें, उनको उचित स्नेह दें, सम्मान दें, वो भी आपके क्षेत्र के लाडले प्यारे कोई हैं, लेकिन अपने क्षेत्र को स्वावलंबी बनाने का जरूर प्रयास करें। और एक विचित्र बात है, धर्मात् संजायते ही अर्थ है, धर्मात् कानो कामो भी जायते, धर्म एवं पवर्गाय तस्मात् धर्मम समाचरेत, कूर्म पुराण का वचन है, धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, धर्म तो धर्म है ही, धर्म से काम की सिद्धि होती है, धर्म से मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। जिस व्यक्ति ने शास्त्र सम्मत धर्म को अपना रखा है वह व्यक्ति, या जिस क्षेत्र ने उस धर्म को अपना रखा है वह क्षेत्र निर्धनता के चपेट में कहीं कभी पड़ नहीं सकता है। धर्म एक ऐसी चीज है जिसके अधीन शेष 3 पुरुषार्थ हैं, धर्म के द्वारा अर्थ की प्राप्ति होती ही है और सुखद भोग्य पदार्थ का सेवन करके आह्लाद होता ही है, और धर्म के मार्ग पर चलने पर मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता ही है। इसलिए कम से कम 75 मिनट हर व्यक्ति 24 घंटे में भजन का व्रत लें, हाथ नहीं हम उठवाते, 24 घंटे में एक दिन में चाहे 5 बार में सही, कोई ऐसा व्यक्ति क्षेत्र में ना हो जो 75 मिनट भजन न करता हो। भगवान से दूर रहेंगे तो लक्ष्मी से भी दूर रहने के लिए बाध्य होंगे, लेकिन किसी की आलोचना निंदा न करके मैं एक संकेत करता हूँ, राम कृष्ण शिव गोविंद माधव
ये सब जो भगवान के नाम हैं, इन नामों में सब अधिकृत हैं। गायत्री मंत्र है, ओंकार है, महामृत्युंजय मंत्र है, ये सब के सब बहुत ही ओजस्विता युक्त होने के कारण विस्फोटक हैं। इनकी शक्ति को हर व्यक्ति पचाने में समर्थ नहीं है। जैसे एरंड का तेल कॉस्टाइल ज्यों के त्यों दे दे तो व्यक्ति बीमार पड़ जाए। चिकित्सक क्या करते हैं, उसको मृदु बना करके फिर कब्जियाँ दूर करने के लिए देते हैं। ठीक इसी प्रकार से राम कृष्ण शिव वामन गोविंद माधव अच्युत केशव, ये जो भगवान के दिव्यातिदिव्य नाम हैं, इनका आलंबन लेकर एक बार में ना हो सके तो पांच बार में 15-15 मिनट भजन का बल जीवन में प्राप्त कीजिए। एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज ने वाराणसी में एकांत में मुझको पूछ दिया, कहो बताओ ये मुसलमान पांच बार भजन क्यों करते हैं, नमाज क्यों पढ़ते हैं। मैंने कहा कि भगवान आप ही इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कृपा कर। उन्होंने कहा हमारे तुम्हारे पूर्वजों से उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की होगी, हर सनातनी वैदिक हिंदू को पांच बार तो भजन करना ही चाहिए। बाद में महाभारत में और छांदोग्य उपनिषद में हमको वचन भी मिल गया, सूर्योदय के पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में एक, स्नान के बाद दो, मध्याह्न काल में तीन, संध्या की वेला में चार और शयन के पूर्व पांच। पांच बार तो भजन का व्रत लेना ही चाहिए मानव जीवन की सार्थकता के लिए। कदाचित आपने 15-15 मिनटों तक एक एक बार में भजन किया, 24 घंटे में 75 मिनट सवा घंटे भगवान के भजन में लगा दिया, उसका अद्भुत प्रभाव होगा। मैं वैज्ञानिक ढंग से इस बात को कहता हूँ, सावधान। निमंत्रण की बात छोड़ दीजिए, अपने घर में कोई व्यक्ति भोजन करता है, एक आसन पर बैठकर 15-20 मिनटों में पेट भर जाता होगा। 15-20 मिनटों में किया हुआ भोजन, अन्न जल का ग्रहण कम से कम 5-6 घंटे तक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति को उन्नत बना के रखता है। यानी जब अन्न जल का जीवन में इतना महत्व है तो अन्न का कारण जल, जल का कारण तेज, तेज का कारण वायु, वायु का कारण आकाश, आकाश को भी बनाने वाले भगवान, भगवान का कितना महत्व है। कारण का महत्व कार्य की अपेक्षा भी अधिक होता है। एक व्यक्ति अन्न के बिना जितने दिनों तक जीवित रह सकता है, पृथ्वी का जो कार्य अन्न है उसके बिना एक व्यक्ति जितने दिनों तक जीवित रह सकता है, पृथ्वी का कारण जो जल है, जल के बिना उतने दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। हमारे पूर्वाचार्य स्वनाम धन्य निरंजन देव तीर्थ जी महाभाग जब पद पर प्रतिष्ठित थे 67 में, उन्होंने गोवंश की रक्षा की भावना से 72 दिनों तक अनशन किया था, शरीर बचा रहा। लेकिन वृंदावन के दो संतों ने अलग अलग समय में डंका पीटे बिना भगवान की प्राप्ति के लिए अनशन प्रारंभ कर दिया, अन्न जल दोनों छोड़ दिया। हमारे पूर्वाचार्य महाभाग ने अन्न छोड़ा लेकिन गंगा जल वो लेते रहे। अन्न जल दोनों तपस्वी महानुभावों ने वृंदावन में छोड़ दिया, लोगों को पता भी नहीं है व्रत कर रहे।
ठीक 14वें दिन दोनों का शरीर पूरा हो गया। तो क्या निष्कर्ष निकलता है अपने जीवन में देख लीजिए, आपको भूख भी लगी हो, प्यास भी लगी हो, अन्न सेवन की स्थिति ना हो, पानी पी लें, भूख प्यास की निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन भूख भी लगी हो, प्यास भी लगी हो, अन्न का सेवन करें, पानी ना पीवें, प्यास की निवृत्ति नहीं होगी। एक व्यक्ति पार्थिव अन्न के बिना जितने दिनों तक जीवित रह सकता है, अन्न का कारण जो जल है उसके बिना उतने दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। लेकिन जल के बिना जितने दिनों तक जीवित रह सकता है, क्या शरीर में रहने वाली ऊष्मा गर्मी के बिना उतने दिनों तक जीवित रहेगा? शरीर से गर्मी गई नहीं, जठराग्नि खत्म तो जीवन खत्म। अब और कल्पना शक्ति को उद्दीप्त कीजिए, एक व्यक्ति जितने क्षणों तक शरीर में रहने वाली ऊष्मा गर्मी के बिना जीवित रह सकता है, उतने क्षणों तक भी तेज का कारण जो पवन या वायु है सन्निकट निर्विशेष, उसके बिना जीवित रह सकता है नहीं? और कल्पना शक्ति को उद्दीप्त कीजिए, एक व्यक्ति जितने क्षण प्राण पवन के बिना जीवित रह सकता है, उतने क्षण भी क्या शरीर में रहने वाला आकाश अवकाशप्रद जो आकाश है उसके बिना रह सकता है जीवित नहीं? क्या सिद्ध हुआ? कार्य की अपेक्षा कारण का अधिक महत्व है, सबके कारण परमात्मा है। और एक विचित्र बात है, पृथ्वी पृथ्वी के लिए नहीं है, पानी पानी के लिए नहीं है, प्रकाश प्रकाश के लिए नहीं है, पवन पवन के लिए नहीं है, आकाश आकाश के लिए नहीं है, ये सब अचित हैं, जड़ हैं। कोई भी जड़ वस्तु के लिए नहीं हुआ करती, चेतन का भोग हुआ करती है, और चेतन हम आप हैं। लेकिन यह जो जीव हम आप चेतन हैं, ये हमारे भी परम कारण परम आश्रय उदयस्थान निलयस्थान विलयस्थान जीवन धन जगदीश्वर हैं। जगदीश्वर के बिना तो क्षण भी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जब कार्य की अपेक्षा कारण का उन्नत महत्व दृष्टांतों के बल पर डंके की चोर से सिद्ध है, तब परम कारण सबके कारण जगन्नाथ जगदाधार जगत के निमित्त उपादान उभयविध कारण जो परमात्मा हैं, उनके भजन का कितना उपयोग होगा? भोजन से भजन घटिया है क्या? भोजन का प्रभाव तो जानते हैं, लेकिन भजन का प्रभाव, 15 मिनट एक आसन पर रहकर भजन कर लेंगे तो भजनानंद से जीवन भरपूर हो जाएगा। अद्भुत प्रज्ञा शक्ति अद्भुत प्राण शक्ति के जीवन में अभिव्यक्ति होगी। तो गरीबी दूर करने के लिए लक्ष्मीपति श्रीमन नारायण भगवान जीवन धन धन के भी धन परम धन परमात्मा में मन को कम से कम 24 घंटे में 1.5 घंटे लगाने का प्रयास करें। भजन भी हो और दरिद्रता भी हो संभव नहीं। संविधान की सीमा में जिस व्यक्ति को जिस कोटि के भजन का और जिस प्रकार के भजन का अधिकार प्राप्त है, उस भजन का आलंबन ले और गरीबी पले संभव नहीं है। हाँ, भूप राजतज हो ही भिखारी विरागी, भूप राजतज हो ही विरागी, धनी पर्याप्त है व्यक्ति, लेकिन वो धन वैभव का त्याग करके महात्मा होना चाहता है, संत होना चाहता है, वो तो अलग बात है, त्याग की बात है। चाहे तो अरबों रुपया कमा सकता है, अर्जित कर सकता है, लेकिन रुपये से भी धन से भी विराम है, वो तो त्याग का बल है। लेकिन अर्थ की पूर्ति भी धर्म के द्वारा होती है। वेदव्यास जी ने क्या कहा? ऊर्ध्वबाहुर विरौम्य स नच कश्चित क्षिणोति में धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते भाव्यते। मैं दोनों बाहों को ऊपर उछाल कर कहता हूँ, लेकिन नादान जीव मेरी बात अनसुनी करते हैं, मेरी बात क्यों नहीं सुनी जाती? अरे भाई, अगर मोक्ष से ही परहेज है तो कोई बात नहीं, धर्मात अर्थश्च कामश्च, धर्म से अर्थ भी होता है काम भी होता है। अगर लौकिक उत्कर्ष ही चाहते हो तो भी धर्म का आलंबन लो,
परम धर्म भगवान का भजन है, परम अर्थ भगवान है। बल्कि अध्यात्म की दृष्टि से अर्थ को हम कैसे परिभाषित करेंगे? परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति आकाश वायु तेज जल पृथ्वी वो सब अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा के निमित्त जो भी हम कार्य करते हैं उन सब का अर्थ नाम है। परम अर्थ परमात्मा की प्राप्ति में गुप्त या प्रकट साक्षात या परंपरा से जिसका उपयोग हो या विनियोग हो उसका नाम अर्थ है। तो हमने बताया गोवंश जो है बीच में है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, लेकिन बीच वाली जो सामग्री है गौवंश, कृषि के साथ भी उसका संबंध है, वाणिज्य के साथ भी उसका संबंध है। तो गोपालन का भी अभियान चले, जल की व्यवस्था सुलभ हो तो गरीबी दूर हो सकती है, भूमि उर्वरा हो सकती है गोबर आदि के द्वारा। गाय तो अपने सांस के द्वारा भी पर्यावरण को दिव्य बना देती है, गोवंश में यह क्षमता है। गोवंश में शब्द दिव्य है, गाय जो सांस लेती है ना और रमाती है उस शब्द के श्रवण से भी व्यक्ति का जीवन धन्य होने लगता है। गाय के स्पर्श से भी व्यक्ति के जीवन में दिव्यता का संचार होता है। गाय का दर्शन करने पर भी नेत्र में दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है। गोरस का सेवन करने पर जीवन में दिव्यता की निष्पत्ति होती है। और गाय के शरीर से जो गंध उधर घृत दुग्ध इत्यादि से जो गंध की अभिव्यक्ति होती है वो भी दिव्य है। दिव्य गंधप्रद, दिव्य रसप्रद, दिव्य रूपप्रद, दिव्य स्पर्शप्रद और दिव्य शब्दप्रद गोवंश है, अर्थप्रद कामप्रद धर्मप्रद मोक्षप्रद। जहाँ गाय है वहाँ गोविंद अवश्य हैं। महाभारत में कहा गया है गोवंश का गाय का नाम लेकर कोई सोता है तो दुस्वप्न नहीं होता। गोविंद गोपाल इसमें गाय भी और भगवान भी। अब सोने के पूर्व गोविंद गोपाल गोपाल गोविंद गोपाल गोपाल गोविंद भगवान का नाम लेकर सोवें, सुख निद्रा होगी, निद्रा भी समाधि कल्प बन जाएगी। तो आर्थिक दृष्टि से भी क्षेत्र पर्याप्त समृद्ध हो सकता है। जो भी समस्या आपके क्षेत्र की है उसकी सूची बनाइए, विशेषज्ञों से परामर्श लेकर जो परंपरा प्राप्त अनुभवी व्यक्ति हैं शास्त्र सम्मत रीति से जिनको अर्थ की परिभाषा मालूम है उसके क्रियान्वयन की विधा मालूम है ऐसे व्यक्तियों से मिलकर अपने क्षेत्र को स्वावलंबी बनाने का प्रयास करें। तो हमने बताया विशेषज्ञों से परामर्श, सूझबूझ का परिचय दें, सद्भावपूर्वक संवाद का आलंबन लें, परस्पर के सहयोग से प्राप्त सामग्री का उपयोग करें और अंत में सेवा का प्रकल्प चलावें, एक दूसरे को ही आंसू पोंछने का प्रयास करें तो सुगमतापूर्वक गरीबी को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ कृषि को उन्नत करने के लिए जो प्राचीन हमारी विधा है खाद इत्यादि की उसको अपनावें और बन सके तो पंचगव्य के द्वारा दिव्य दवाओं औषधियों का भी निर्माण कर सकते हैं, उसके द्वारा भी क्षेत्र को समृद्ध बनाया जा सकता है। साथ ही साथ गोवंश का पालन करके छोटे छोटे कुटीर उद्योग लघु उद्योग, एक विचित्र बात हमारी सहानुभूति सबके प्रति है लेकिन जानकारी के लिए मैं कहता हूँ, मुसलमान सज्जनों को विवेक है कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ध्यान आपका नहीं गया होगा। गांधी जी ने अंग्रेजों की प्रेरणा से कहा ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, हिंदुओं ने अपना लिया मुसलमानों ने नहीं अपनाया। वो जानते थे कि हमारा घाटा है, हिंदुओं का विभाजन ही हो गया, ईश्वर अल्लाह के तेरे नाम। मुसलमानों ने देखिए उनका नेतृत्व कितना दिव्य है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम को नहीं अपनाया मुसलमानों ने। वो सोच रहे थे कि इससे तो ईश्वर को लेते हम घंटा डार हो जाए।
लेकिन हाथ करघा चरखा ये जो कुटीर उद्योग का एक प्रकल्प गांधी जी ने चलाया, मुस्लिम समाज ने भारत का धर्ष अपना लिया। इधर ध्यान गया या नहीं? इधर ध्यान गया आपका? मिस्त्री कारीगर ये सब प्रायवाधिक होते हैं। गांधी जी के किस योजना को अपनावें किसको न अपनावें, इसमें विवेक का परिचय दे करके मुस्लिम तंत्र ने क्या किया, कुटीर उद्योग लघु उद्योग का प्रकल्प अपना लिया। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम का प्रकल्प नहीं अपनाया। तो हमने यह कहा महायंत्रों के माध्यम से तो एक व्यक्ति अरबपति बन जाता है और 99 व्यक्ति दाने दाने के लिए मोहताज बन जाता है। अपनी ओर से क्षेत्र में कोई सामाजिक नेता होना चाहिए और हम लोगों से संपर्क स्थापित कीजिए। हम अपनी डींग नहीं मारते, स्वप्न में भी अपनी प्रशंसा करना या सुनना आत्महत्या। जिसको अपनी प्रशंसा सुनने में आनंद आवे समझिए गिरेगा, और अपनी प्रशंसा अपने मुख से करे वो भी गिरेगा। लेकिन हम एक संकेत करते हैं, विश्व बैंक जब अपनी आर्थिक सारी गुत्थियों को मेरे पास आके सुलझा सकता है तो कोई भी क्षेत्र धनी क्यों नहीं बन सकता? हम लोगों से परामर्श लेकर मार्गदर्शन लेकर बन सकता है। इसके लिए सरकार के आगे मोहताज होने की झुकने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपनी समस्या का समाधान गोविंद का नाम लेकर करना प्रारंभ कीजिए। हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत बढ़िया सुनाते थे, यहाँ तो आए होंगे वो, माखनलाल चतुर्वेदी जी की जन्मभूमि शादी है, हमने कभी पढ़ा था। और वो जो पत्रकारिता का विश्वविद्यालय भोपाल में है, हमने वहाँ 1 घंटे तक पत्रकारिता पर कभी प्रवचन भी दिया था, पुस्तिका के रूप में भी वो प्रकाशित है अन्य जगह से। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाराज एक उदाहरण देते थे, 8-10 मिनट में प्रवचन को विराम दूंगा। टिहरी टिहरी इधर बोलते हैं ना पक्षी, कोई टिहरी टिहरी गढ़वाल नहीं, टिहरी पक्षी, उसके अंडे समुद्र भाग के ले गए। अब टिहरी चिड़ियों ने संघ बना लिया, समुद्र का वो सोख के रहूंगी। अब टिहरी समुद्र को कैसे सोखे, संघ बल चोंच में इतना पानी लिया और ऊपर आके फेंकना शुरू किया। अब नारद जी उधर से जा रहे थे, नारद जी ने कहा ये क्या करती हो? महाराज हमारे अंडे को बहा लिया है समुद्र ने, अंडा वापस करे नहीं तो सोख लूंगी। अच्छा टिहरी के चोंच उसमें इतना सा जल, लेकिन मनोबल पूरा, ठीक है ठीक है। अच्छा नारद जी ने थूणा निखंडन न्याय से उसके धैर्य को डगमगाने का प्रयास किया। अरे पगली कभी ऐसा संभव है समुद्र को सोख लो? महाराज हमारे कार्य में कोई सहयोगी बन सकते हो तो बनो, विघ्न मत डालो। नारद का अर्थ होता है ज्ञानप्रद, नार माने ज्ञान, हिंदी वाले हंसाते हैं नारद उर्दू, जिनका दर्शन रद व्यर्थ ना जाए वो नारद। नारद का अर्थ होता है नार माने ज्ञान, ज्ञान देने वाले विशेषज्ञ, परामर्श देने वाले, मार्गदर्शन देने वाले। महाराज आपका दर्शन हो गया तो वैकुंठनाथ का दर्शन हो गया, हम तो मानती हैं कि हमारा कार्य पूरा हो गया। आप हम नादान पक्षियों की उपेक्षा थोड़े करेंगे, अच्छा अच्छा देखेंगे। कभी नारद जी चलते बने वीणा लेकर राम नाम गाते हुए, रास्ते में गरुड़ जी मिल गए। गरुड़ जी ने कहा नारद जी प्रणाम। है क्या प्रणाम करता है, तेरा प्रणाम स्वीकार नहीं? नहीं नहीं, क्यों नाराज हो गए नारद जी? जिस राजा को पक्षियों के तुम राजा हो, राजा कहलाने योग्य हो, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो वो राजा कोई राजा होता है? पक्षीराज बनते हो, तुम्हें मालूम है क्या हो रहा है तुम्हारी बिरादरी की? बिरादरी माने पक्षी, वो भी टिहरी, टिहरियों पर संकट है, मुसीबत है, तुम मौज मस्ती से रहते हो। अरे महाराज जी आज नाराज क्यों? नहीं नहीं, पहले उन टिहरियों के दुख को दूर करो,
हो गया काम। अच्छा, और गरुड़ जी आ गए। गरुड़ जी ने कहा कहा समुद्र का अंडे वापस कर, नहीं तो बस जला दूंगा। पंख से आग निकाल करके तुम्हें सोख लूंगा। समुद्र हाथ जोड़ के आया, अंडे वापस कर दिया। हुआ या नहीं? तेरियों ने अपने बलबूते पर तो काम बनाया ही नहीं, लेकिन धैर्य, संघ बल, मनोबल इतना उद्दीप्त था कि समर्थ नारद जी तक उनकी भावना पहुंच गई। फिर नारद जी तक उनकी भावना पहुंच गई। समर्थ हरि गुरु तक अपनी भावना को पहुंचाने में कोई समर्थ होता है तो काम बन गया। राजपंचाध्यायी का प्रारंभ कहाँ से होता है? भगवान पिता रात्रि है शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन तुम मनश्चक्रे योग माया उपासित। गोपांगनाओं को दिव्य स्पर्श प्रदान करने का मन भगवान ने ही बना लिया। तो असमर्थ शिष्य भक्त के मनोभाव जब भगवान और गुरु, समर्थ गुरु और हरि के हृदय में प्रतिफलित होने लगते हैं तो शिष्य का काम बन जाता है। संभवाम्य भगवान ने क्या कहा? ततो वक्ष्यामि ते हितम, वक्ष्यामि हित काम्य या गीता। अर्जुन ने अपनी सरलता भक्ति के प्रभाव से अपने उद्धार की भावना श्री कृष्ण के हृदय में अभिव्यक्त कर दी। दो वचन भगवान श्री कृष्ण के कितने महत्वपूर्ण हैं भगवद गीता में। ततो वक्ष्यामि ते हितम, वक्ष्यामि हित काम्य, वक्ष्यामि हित, तुम्हारे हित का, हित की कामना से मैं बोलता हूँ। इसका मतलब भगवान ही अर्जुन के हित करने का संकल्प कर चुके। समर्थ भगवान के हृदय में अर्जुन ने अपने हित की कामना को उद्दीप्त कर दिया। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यही होता है कि व्यक्ति आस्थापूर्वक, विश्वास पूर्वक काम करे तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान न हो जाए। सबसे दुर्गम तो सज्जनों मोक्ष है। अगर हम आप मुक्त हो गए होते पिछले जीवन में तो जन्म ही क्यों होता। यम यम वापिस्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते या सदा तद्भाव भाविता। देहत्याग के अव्यभित पूर्वक क्षण में अकृतार्थ प्राणी जिस प्रकार का चिंतन करता है तद अनुरूप शरीर को प्राप्त करता है। सबसे दुर्गम है मोक्ष पुरुषार्थ। वह मोक्ष भी जब मनुष्य प्राप्त कर सकता है, जगदीश्वर को भी जीवन में प्राप्त कर सकता है, तो धन की बात तो बहुत छोटी है। क्या धन तो एक प्राथमिक पुरुषार्थ है, प्रारंभिक पुरुषार्थ है। हमारे पास तो भगवत कृपा से ऐसी योजना है कि विश्व में कोई गरीब रह ही नहीं सकता। कहाँ से योजना आई? छांदोग्य उपनिषद ईश केन कठ आदि क्रम से, छांदोग्य उपनिषद शंकर भाष्य आनंद गिरी टीका सहित श्रावण भाद्र में पढ़ाया, लगभग 10 सालों में पूर्ण हुआ है वह ग्रंथ। अब बृहदारण्यक उपनिषद प्रारंभ किया, छांदोग्य उपनिषद इतने प्रयोग दिए गए हैं, मुझे तो इतनी प्रसन्नता हुई कि विश्व में कोई निर्धन रह नहीं सकता। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ लक्ष्मी नृत्य न करे। केवल उपाय, शास्त्र सम्मत उपाय के आलम्बन की आवश्यकता है। तो आप महानुभावों ने प्रतीक्षा भी की, हमको जब सूचना मिली 10 मिनट के अंदर यहाँ के लिए चल पड़े। 2.5-3 घंटे ट्रेन भी आज विलम्ब से आई। भोजन पानी में भी लगभग 4 बज गए होंगे, 3:30-4 बज गए होंगे। तो बहुत अच्छा हुआ जितने भी व्यक्ति आए यहाँ। जब हम इस पद पर नहीं थे, बस अड्डे से खरगोन की और या कहाँ कहाँ गए थे, इतना तो ध्यान है। शंकराचार्य होने के पहले भी यहाँ प्रवचन की दृष्टि से कभी नहीं आए। इस बार प्रथम आगमन है, सामने सुना है। आप सब प्रमुदित रहें, भगवान के प्रति आस्थान्वित हों और सनातन सिद्धांत के प्रति, धर्म के प्रति आस्थान्वित हों। 2-4 व्यक्ति ऐसे जो मठ के साथ जुड़ें, समय समय पर संपर्क बनाए रखें, इस क्षेत्र को बहुत उत्तम ढंग से वो मार्गदर्शन देकर हर तरह से संपन्न बनावें, ऐसी भावना है। हर हर महादेव।